नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 6 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय तिथि है जो रात्रि सात बजकर के चौवालीस मिनट तक है और इसके पश्चात तृतीय तिथि है अनुराधा नक्षत्र है शोभन योग बालो करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के उन्नीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के तीन मिनट तक का होगा वहीं काल प्रातः नौ बजे से साढ़े दस बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज भैया दूज का पवित्र पर्व है और आज चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा होगी कलम दबात की पूजा आज ही कर ली जाएगी आज प्रत्येक भाइयों को अपने बहन के यहां जाकर के ही भोजन करना चाहिए और उन्हें धन वस्त्र इत्यादि से सम्मानित करना चाहिए ये शास्त्र सम्मत विधान है प्रिय दर्शकों वैसे तो हम सभी को अपने जीवन काल में किसी भी परिस्थिति में सदैव ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली की कुछ विशेष स्थितियां शनिदेव की स्थिति भाग्येश और पंचमेश की स्थिति जातक को ईश्वर के प्रति विशेष आस्थावान बना देती है इसका यह मतलब नहीं कि जिनकी कुंडली में ये ग्रह योग है वही केवल ईश्वर के प्रति आस्थावान हो सकते हैं संस्कारों के कारण भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था वाला बनता है और जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ईश्वर के प्रति ही आस्थावान होना चाहिए अगर आपकी समस्या का आपकी समस्याओं से अगर आपको कोई कभी बाहर निकाल सकता है आपकी समस्या का अगर कहीं समाधान मिल सकता है तो वो केवल और केवल ईश्वर की शरण में ही है तो ईश्वर के प्रति आस्था तो सबके भीतर होनी चाहिए और होती भी है परंतु ये कुछ ऐसी विशेष ग्रहस्थितियाँ हैं जिसे मैं दिव्य महाप्रयोग में आपको बताऊँगा कि ऐसी ग्रहस्थिति होने पर जातक के भीतर जन्म जात ही ईश्वर के प्रति आस्था जागृत हो जाती है उसे जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो सदैव ईश्वर पर भरोसा रखता है चलो कोई बात नहीं मुझे भगवान पर भरोसा है दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे आज का ये तो दिव्य प्रयोग ज्ञानवर्धक है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्तुतियों की राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं बुध मंगल और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं शुक्र का संचरण धनुराशि में है देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और आज शनिवार शनिवार का दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा किस प्रकार से आज आपको प्रभावित करने वाले हैं बहुत से प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो अभी भी बंद हैं जहां छुट्टियां चल रही हैं लेकिन बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जो खुले हुए हैं कार्य जहां चल रहा है व्यापारी वर्ग ऐसा है जो काम कर रहा है तो आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज ही पूरा कर लीजिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आज, आज आपको बचना चाहिए कौन सा वो उपाय है जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है गृहस्थिति इन्हीं गृहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के नवम भाव दसम भाव और एकादश भाव में अगर शनिदेव हूं जन्म कुंडली के नवम दसम और इक्यादश इन तीनों में से किसी भी भाव में शनिदेव हों तो ऐसे जातक के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था होती है मैंने कई बार देखा है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर शनिदेव हों तो ऐसा जातक बाल्यकाल में जीवन के प्रारंभिक दौर में ईश्वर के प्रति तर्क वितर्क और कुतर्क सबसे ज्यादा वो कुतर्क करता है लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है वो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से आस्थावान हो जाता है और जन्म कुंडली के इन तीनों भावों में शनिदेव हों तो ऐसे जातकों के का ईश्वर के प्रति विशेष आस्था तो होती ही है मैं कहता हूं कि ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में ये स्थिति है ईश्वर के प्रति विशेष आस्था रखनी चाहिए आपके जीवन काल में जब भी कैसी भी किसी भी तरह की परिस्थिति आए बस ईश्वर पर भरोसा रखिए दूसरा है कि अगर नवम भाव का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी दसम में हो नवम का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी अगर दसम में हो तो ऐसे जातक के अंदर भी ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा जन्मजात ही होती है उसे हर परिस्थिति में ईश्वर पर ही भरोसा होता है और अगर कहीं किसी तरह से कमी है तो उस कमी को दुरुस्त करिए और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बनाइए ईश्वर के प्रति आस्थावान बनना ही आपके जीवन काल में आपकी हर तरह की समस्या का समाधान है चलते हैं हम राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज शनिवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा चंद्रमा नीच राशि में वृश्चिक राशि में आपकी राशि से अष्टमस्थ हुए बैठे हैं केतु के साथ युति में है दिन को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है आपके लिए दिन और कोई बड़ा फैसला लेना आज उचित भी नहीं है हाँ भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंतन मनन करना चाहते हैं भविष्य को लेकर के कोई विचार है आपके मन में तो उस पर विचार जरूर करिए लेकिन मैं आपको बता दूं कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा अगर छुट्टी नहीं आपकी कार्यस्थल पर है तो कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आज आपके कार्य कार्यों पर या तो ध्यान नहीं देंगे उचित सम्मान नहीं मिलेगा या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपके कार्य ही उतने बेहतर न हो कि लोग उस तरफ आकृष्ट हों कहीं ना कहीं कमी खलेगी हालांकि मैं आपको एक सलाह दे देता हूं जो कार्य जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए ज़्यादा घबराने की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो कमियां हैं वो आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगी व्यवसायियों को आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है हालांकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर नहीं दिख रही है ठीक है सावधानी जरूरी है विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आज नहीं होना चाहिए विपरीत के प्रति मन में सम्मान उत्पन्न करिए तभी दिन अच्छा होगा और जीवन साथी को सहयोग समय दीजिए उनके साथ सहयोग करिए उनके साथ कहीं घूमने जाइए प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूँ तो हर तरह के अध्ययन के लिए सामान्य है दिन बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य में परेशानी है मानसिक अशांति रहेगी कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है कफ जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आज कन्या को जो अविवाहित हो ऐसी कन्या को दान करना कुछ भी चाहे वो वस्त्र हो शिक्षा से संबंधित चीज हो कुछ धन हो द्रव्य हो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा आप ऐसा आज अवश्य करिए लकी अंक दो है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज पीला है वृषभ की तरफ अगर हम चलें तो आज का दिन आपके लिए फिर भी बहुत हद तक अच्छा है बहुत दिनों से कोई रुका हुआ काम था अगर आज आप सतत संघर्ष प्रयत्नशील हो जाएं तो वो कार्य आपका बनेगा आपको सफलता मिल जाएगी पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है कोई विवाद है कोई समस्या है जिसका हल नहीं दिखाई पड़ रहा था उसका हल नजर आपको आ जाएगा सफलता आपको मिलेगी कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है वाणी पर आपको संयम रखना होगा और देखा जाए तो हर तरह से आज जीत आपकी है किसी भी तरह की परिस्थिति परेशानी में आप पड़ते हैं जीतेंगे आप आज का दिन है बहुत हद तक आपके पक्ष में मन अशांत हो सकता है जीवन साथी का अपमान मत करिएगा और व्यापारी हैं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा किसी से किसी भी तरह का बहस आज नहीं करना है दाम्पत्य जीवन अगर ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा अगर घर में है तो बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा प्रेमियों के लिए शुभ है दिन और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है यानी मिला जुला करके मैं कह सकता हूं कि सत्तर प्रतिशत आज का दिन बहुत ही ठीक है आपके लिए तो यह बहुत बड़ी बात है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है थोड़ी थकान आपको महसूस हो या सिर दर्द की शिकायत हो आज कोई विशेष उपाय आपको नहीं करना है प्रातः काल ही सफेद चंदन घिस करके उसका तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा इसी से मन में शांति राहत आपको मिलती रहेगी लकी अंक आपके लिए आज आठ है और लकी कलर सफेद मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से ष्ठ में होना पूरे दिन को अस्त व्यस्त कराने वाला है हालांकि मैं बता दूं कि इस अस्तव्यस्तता के बावजूद आज, आज आपका आपको लाभ मिलेगा लाभ के दृष्टिकोण से आज इस दिन को हम खराब नहीं कहेंगे विशेषकर योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं तो सफलता भी मिलेगी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन ठीक ठाक जाने वाला है जो साथ के लोग हैं उनसे सहयोग और अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा व्यापारियों को व्यापार में उचित लाभ मिलने वाला है कारोबार आपके लिए मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक है किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए भावनाओं में बहकर के कोई वादा नहीं करना चाहिए किसी से और भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा निर्णय नहीं ले, लेना चाहिए आज आपको प्रेम प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है प्यार का इजहार आप कर सकते हैं और दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी विद्यार्थियों को कुछ नया करने से बचना चाहिए और अपने पाठ्यक्रम में शिक्षा में सिलेबस में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी उचित समय नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आपको थोड़ी महसूस होगी जोड़ों में दर्द और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा आज लकी अंक आपके लिए एक है लकी कलर पीला आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का इक्यावन बार जब करिए लाभ रहेगा कर्क की बात करें तो दिन ठीक है हालांकि चिंता आपको भी बहुत ज्यादा रहेगी चाहे वो संतान की ओर से चिंता हो या कार्यों का ठीक ढंग से न हो पाना आपको चिंतित करे फिर ठीक क्या है प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन प्रेम के क्षेत्र में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं मिलेगा हालांकि सभी काम आसानी से हो जाए मैं ऐसा नहीं कह सकता नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से उचित सहयोग आपको प्राप्त होगा और व्यापारियों के लिए देखें तो दिन सामान्यतया ठीक है यानी लगभग पचास किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश नहीं करना है नुकसान हो जाएगा और एक मूल बात कर्क राशि के जातक याद रखें कि परिवार के सदस्यों की बात विशेष करके बच्चे जीवन साथी माता पिता जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को काटिए मत उनकी बात को सुनिए उस पर विचार करिए प्रेमियों के लिए दिन ठीक रहने वाला है और प्रेमियों से प्रेमियों के लिए सहयोग भी है आज प्रेम के क्षेत्र में हर तरह से बढ़िया विद्यार्थी हैं कोई इंटरव्यू है कोई या किसी भी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि फिल करना है तो वो आप कर सकते हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है हरी सब्जियों का दान अगर कर्क राशि के जातक आज करें तो उनको विशेष लाभ इससे मिलेगा तो किसी भी मंदिर में जाकर के हरी सब्जी का दान आप करिए हरी सब्जी कुछ भी इससे आपको फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए आज तीन है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है सिंह की बात करें तो आप चिंतित भीतर से रहेंगे हालाँकि एक बात बता दूं कि इतनी परेशानियों के बावजूद आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ रहा है लोगों को यह नहीं पता चलेगा कि भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आप परेशान हैं जरूरत पड़ने पर आपको छोटे भाई से मदद मिल सकती है नौकरी में अगर प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे या उसके लिए आप प्रयत्न कर ही रहे थे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई इससे संबंधित सूचना शीघ्र मिलने वाली है और आज हो सकता है किसी को कोई उपहार आपको देना पड़े बड़ा उपहार व्यापारियों के लिए ठीक ठाक है दिन रिश्तेदारी से आज थोड़ा सावधान रहिएगा और धन प्राप्ति हेतु आड़ा तेढ़ा मार्ग मत पकड़िएगा शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा कोई भी गलत कार्य करने से बचिए ओवर कॉन्फिडेंट होइए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो तो सोच समझ कर के ही फैसला करिए जीवन साथी को आज आपको सफलता मिलने वाली है जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए अद्भुत रहने वाला है आज का दिन मन आपका पूरी तरह से प्रसन्न होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर पूरी तरह से ध्यान और कफ जन्य रोगों से सावधानी जरूरी है केसर का तिलक आज माथे पर लगाएं सिंह राशि के जातक इसी से लाभ मिलेगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज पीला है कन्या की बात करें तो लाभ होगा आज का दिन बढ़िया है मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी अपनी बातों से किसी को भी सहमत कर सकते हैं भाग्य का साथ आपको मिल रहा है जरूरत पड़ने पर दोस्तों से परिजनों से सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो थोड़ी व्यस्तता आज ज़्यादा रहेगी यूँ समझ लीजिए कि छोटी छोटी मिला जुला करके कई ऐसी चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी जो आपको अस्थिर करने का प्रयत्न करें लेकिन आप हर तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम रहेंगे व्यापारियों के लिए दिन को ठीक कहूँगा व्यापार में या व्यापार को लेकर के कुछ ऐसे योजना आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं जिस पर काम करके आपको लाभ मिले किसी का अपमान मत करिएगा चाहे बड़ा हो या छोटा जीवन साथी से आपको सहयोग प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन प्रेम संबंध में मधुरता लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहना पड़ेगा आज घी का दिया घर में ही जलाइए इससे फायदा मिलेगा आपको लकी अंक आपके लिए आज सात है और लकी कलर आपके लिए आज पीला तुला की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना हालांकि ये नीच राशि में है परंतु शनिदेव के नक्षत्र में और आज शनिवार का दिन कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए शीघ्र ही सफलता मिलेगी तो वहीं आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी देखें तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन और व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक ही कहूंगा किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना जो काम बेहद आसानी से हो सके वही करिएगा कर्ज लेना और देना दोनों नहीं करना है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए और आज अपने पार्टनर की बात सुनिए चाहे वो प्रेमी हो जीवन साथी हो व्यापारिक पार्टनर हो उनकी बात को अवश्य मानिए प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन अगर आप मेहनत करते हैं और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है स्वास्थ्य पूरी तरह से आज, आज आपका बढ़िया रहने वाला है लकी अंक आपके लिए आज दो लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और आज गायत्री मंत्र का इक्कीस बार जप कर लीजिएगा इससे फायदा मिलेगा वृश्चिक की बात करें तो आज चंद्रमा का आपकी राशि पर होना मन को अशांत चिंतित करने वाला है धैर्य से काम करना होगा तभी समस्याएं सुलझेंगी एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आते रहने वाली हैं कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार रहिएगा झुकने के लिए तैयार रहिएगा समय जैसा बीत रहा है वैसा बीत जाने दीजिएगा किसी से उलझना किसी का अपमान करना ऐसा बिल्कुल मत करिएगा धन से जुड़े मामलों में आज चिंता परेशानी होगी यात्रा से आपको बचना है और व्यापारियों के लिए एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना जोखिम उठाना ठीक नहीं है तो इससे आप बचिए किसी को पैसा आपने उधार दे रखा था तो यूँ समझ लीजिए वो पैसा वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है आज वृश्चिक राशि के जातक किसी से भी बड़ा छोटा किसी से किसी भी प्रकार के बहस से दूर रहें विद्यार्थियों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ना ठीक नहीं है ये नुकसानदेह होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है मैं स्वास्थ्य को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ मानसिक अशांति की स्थिति रहेगी आज भोलेनाथ के ऊपर बिल्लोपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करिए लाभ मिलेगा आपको लकी अंक आपके लिए चार है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक धनु की बात करें तो आज व्यर्थ कोई बड़ा कदम नहीं उठाना बहुत रिस्क लेने का प्रयत्न मत करिएगा लंबी दूरी की कोई यात्रा मत करिएगा किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो पैसा वापस अगर मिलने की उम्मीद थी तो वो उम्मीद उस उम्मीद पर पानी फिरने वाला है किसी से भी बहस विवाद लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है कार्यस्थल पर है तो चिंता बनी रहेगी किसी भी कार्य में आसानी नहीं होने वाली है यूं समझ लीजिए कि परिस्थिति आज आपके पक्ष में नहीं है असफलता से घबराइए मत व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा फल देने वाला है ऐसा नहीं कह सकता आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर रहने वाला है किसी अजनबी पर अनजान व्यक्ति पर आज विश्वास मत करिएगा और किसी भी तरह की संपत्ति से कोई खरीद संपत्ति से संबंधित कोई खरीदारी है बिक्री है ऐसा काम मत करिए भावनाओं में बह करके के कोई निर्णय मत लीजिए लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है जीवन साथी का साथ मिलेगा आपको और विद्यार्थियों को मेहनत के बावजूद उचित सफलता नहीं मिलेगी मानसिक तनाव आज पूरे दिन आपके ऊपर हावी रहने वाला है तो वहीं पेट से संबंधित परेशानी भूख न लगने से संबंधित परेशानी कुछ न कुछ परेशानी ऐसी रहेगी गणेश जी की आराधना करिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए इससे राहत रहेगा आपको लकी अंक आपके लिए आज आठ है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू मकर की बात करें तो लाभप्रद रहने वाला है दिन ऊर्जा जबरदस्त चाहे वो पैसे से संबंधित समस्या या करियर से संबंधित हर तरह की समस्या का आपको निदान मिलेगा इससे संबंधित खुशखबरी मिलेगी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो साथ के जो लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा व्यापारियों के लिए दिन अति उत्तम सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा किसी भी तरह की जिद्द किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में पड़ने से आपको बचना चाहिए और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं मत करिए सावधानी और सतर्कता में ही आज आपकी जीत है और दिन बहुत श्रेष्ठ है इसका आप फायदा उठाइए दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए इससे नुकसान होगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज मकर राशि के जातकों के प्रेमियों के लिए सामान्य है दिन या यूं कहें कि प्रेमी से थोड़ी अनबन हो सकती है किसी बात पर संयम रखिएगा अपने ऊपर और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी बस आप मेहनत मन लगा करके करिए स्वास्थ्य के मामले में मसालेदार चीज़ों का उपयोग कम करिए खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज रात्रि सुप्त का पाठ अवश्य करिए इससे फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए आज तीन है और लकी कलर हरा है कुंभ की बात अगर करें तो आज का दिन आपके लिए उत्तम है भाग्य आपके साथ है अपने हर प्रयास में आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं अगर कार्यस्थल पर हैं तो ऊंचाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ेंगे आपकी क्षमताओं से प्रभावित दिखाई पड़ेंगे और मैं कह सकता हूं कि आपके कार्य की तारीफ हर जगह होगी मान सम्मान आपको मिलेगा नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है नौकरी से संबंधित ऑफर मिलने वाला है यानी हर तरह से दिन बढ़िया कार्य क्षेत्र हो व्यवसायिक क्षेत्र हो किसी भी बड़े त, बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं परिवर्तन कर सकते हैं परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद होगा हाँ व्यापारियों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले जो आपके शुभ चिंतक उससे राय मशवरा जरूर कर लीजिएगा प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन और विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी दाम्पत्य जीवन भी आज राशि के जातकों का ठीक है स्वास्थ्य के, के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं आज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का इक्यावन बार आपको जब करना होगा लकी अंक आपके लिए आज पांच है लकी कलर आपके लिए आज सफेद मीन की बात करें तो सतर्कता सावधानी और सकारात्मक विचार इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी जहां भी रहें सावधान रहें आज वक्त आपके हित में नहीं है पिता के स्वास्थ्य में परेशानी पिता से अनबन मतभेद और जहां आपने जोखिम लेकर के कोई कार्य किया नुकसान अवश्य होगा व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है व्यापार में धन लाभ की स्थिति बहुत उचित नहीं है किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा वहीं किसी को धन उधार देना है चाहे वो करीबी मित्र हो या रिश्तेदार उससे आपको बचना चाहिए और आज ऋण लेने से भी आपको बचना चाहिए लव लाइफ के मामले में प्रपोजल भेजना आज आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है सो प्यार का इजहार मत करिए और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता हेतु स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं या पुराना रोग रो, रोग फिर से लौट करके आ सकता है सो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिए लकी अंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज पीला है तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार